तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। मैंने जैसे कि तुम्हें पहले बताया था कि रेड मिशन बहुत बड़ा होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम उसी रेड मिशन को कवर करेंगे। तो अब चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने तुम्हारे को इंस्टाग्राम पे बताया भी था स्टोरी में कि बॉक्सिंग चैलेंज होने वाला है। तो आज हम दे मुक्के से अपना मुँह तोड़ देंगे। चलते हैं वहाँ पे, दे रहे पर दे मुक्के मारेंगे और वहीं पे सबकी हड्डियाँ पसली और मुंह फोड़ेंगे। सबकी आँख एकदम एक साइड से, वो देखूँ ना बॉक्सिंग एकदम सूझ जाती है, वैसे सूझा देंगे आज सबकी आँख भी। और बाकी तुम छोड़ो, अभी अपन मिशन पे फोकस करते हैं। आज तुम्हारा भाई पूरे जोश में सबको बहुत मारेगा। ये आ चुके हैं मंदिर। और कहाँ है भाई, कौन है तुम्हारी बहन की आँख? आ जाओ सामने, तू लड़ेगा। ये रहा हमारा बॉक्सिंग टूर्नामेंट। अब जैसे कि तुमने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्टर पहले ही देख लिया होगा, जो कि इसको जीतने पर, बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने पर हमें एक बीच पे जो घर है, विला, वो मिलेगा। तो अभी हम पहले इसको मारेंगे। ये ले तेरी, अरे मेरे भाई पैर रहे तो एक दो तीन चार तेरी बहन टूर्नामेंट, एक दो अरे तो तीन तेरी बहन टूर्नामेंट। तेरे को अभी मैं बताता हूँ, तेरे दस्त नहीं हल्के करे ना, तो मेरा नाम भी जिमी नहीं। तेरे पेट में दर्द पैदा करूँ, ये ले साले। तेरा ब्लॉकर स्किप में और गाइस भाई, कोई बात नहीं, मारे वैसे। ये इसका खेल खत्म हो चुका है, इसको हमने कर दिया नॉक आउट छाती पे पच मार के। तो इसके फेफड़े दोनों फट चुके हैं। अब हमारा सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में देखते हैं कौन लड़ता है। हाँ चूतिए दिख रहे हो तुम तो, नाम जस्टीन है लेकिन शक्ल से चूतिया दिखता है। देखो अभी हम इसे कैसा पहनते हैं, तुम बस देखते जाओ, देख लो बॉक्सिंग जीत लो मार से। कभी रास्ते में कुत्ता उत्ता पीछे पड़ जाए तो भाग जाना, उसको मारना मत। उसे बॉक्सिंग सीख लो, काम आएगी, बस कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भागना मारना मत। अरे अरे हमारे में जूते पड़ रहे हैं, पहले हम फाइटिंग पे ध्यान देते हैं। हमारे पास 10 सेकंड बचे सिर्फ। तेरे पेट में दर्द पैदा करू, दाढ़ी फोड़ू, सब लोग तोड़ू, अरे पेट में दर्द। टाइम अप हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी वापस से मैच स्टार्ट होगा और अब हम इसके अच्छे से बजाएंगे 90 डिग्री एंगल पे। आओ भोसड़ी के रंभा रानी, आओ तुम्हारी कान मारे। तेरी बहन जो तेरी साले जो मेरे को मार रहा है। गाइस तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। अब इसको भी हम नॉकआउट करेंगे। तेरी छाती फोड़ू तेरे, इसकी भी छाती फूट चुकी है, इसके भी फेफड़े फट चुके हैं, इसने सांस लेना बंद कर दिया, इसको कोमा में भर्ती करना पड़ेगा। ये कोमा में जा चुका है, इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, कोमा में नहीं, सॉरी गाइस। कोई बात नहीं, नशे में इधर से उधर निकल जाती है बातें। ये लोग सड़ी के तुम्हारे मुंह पे मारे। ये गोरा चिट्टा दिख रहा है ना, इसकी इसको हम भूत बनाने के पूरा मार मार के गांड और मुंह दोनों एक जैसी कर देंगे, इसकी बंदर जैसी। बंदर की गांड और इसकी गांड में कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे। ये लो भोसड़ी के तुम भी मार था। 15 सेकंड बचे हुए हैं, 15 सेकंड में इसको अच्छे से पहनना है। हमारे पास 10 सेकंड बचे, 10 सेकंड में इसको मारना है, इसको पार कर बुला देना है। अरे रे 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 रे, बस बस बस, खत्म इसका किस्सा। इसकी भी हमने छाती फोड़ दी, इसके फेफड़े खत्म, इसको काटने हैं, बट इसको भी कोमा में जा चुका है, इसको भी भर्ती कराना करना पड़ेगा। अब हम चैलेंज जीत चुके हैं, तो पहले इनसे बकचोदी पहन लेंगे कि बहुत सारे हम तुम्हारे बाप पे भी, तुम अभी भी आए हो। Tell you what old chap, we'll give you that old abandoned beach house, should be nice once you clean it up. अब हमें मिलेगा हमारा गिफ्ट। ये रहा हमारा गिफ्ट, जो कि हम टूर्नामेंट में जीते हैं,
ये हमारा घर है, यहाँ पे अब हम रह सकते हैं, तो अभी हम डायरेक्ट यहीं जाएंगे। ये देख लो अंदर से, तुम देख लो एकदम लग्जरी है, अंबानी भी नहीं खरीद सकता ऐसा घर, इतना महंगा है ये। इसमें 100 करोड़ की तो सिर्फ एक कुर्सी है जिस पे बैठते ही नहीं हम कभी। अब हम चलते हैं पहले घर, घर हमारा ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल अब दूर नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे में आलस भरा है। पहले अब हम साइकिल खरीदेंगे, ये पतली सी गलियों में निकलेंगे, नीचे पता नहीं पेपर वेपर पड़े हैं जमीन पे चिपके हुए। ये हमारा गैरेज, लेकिन बट गैरेज में जो हमें साइकिल चाहिए वही नहीं था, तो पहले हम साइकिल खरीदेंगे। सिर्फ ये चूतिया 3 साइकिल रखता है जो कि हमें ये पसंद आ चुकी है, और ये दोनों चूतिया साइकिल ये रही। इसकी स्पीड भी अच्छी है बट ये जंप नहीं करती है, कोई बात नहीं हमें चलेगा, लेकिन स्पीड अच्छी है और लुकिंग में भी अच्छी है एकदम। अब तुम पूछोगे कितने की साइकिल खरीद ली, तो मैं तुम्हें बता दूं, पहले मेरे नशे भारी हो चुके, नशे हल्के जान दो। बस बेंचो, तब कितने नशे होंगे, हल्के हो जाओ, हम नशे हल्के हो चुके हैं। तो ये साइकिल मैंने खरीदी है, बेंचो कितने में खरीदी है, कितने बताओ तुम्हारे को, मैं बताना चाहिए बेंचो मेरे को। हाँ ये साइकिल मैंने खरीदी है 500 करोड़ में, बहुत लग्जरियस साइकिल है, इसको कितनी भी ऊपर से फेंक लो कुछ नहीं होता है, इसकी चेन कभी नहीं उतरती है, इसके ब्रेक कभी नहीं लगते हैं, ये उछलती तो बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा घर, हम घर के अंदर आ चुके हैं, अब पहले करेंगे हम सेव, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देख लो, तुम देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये सामने गर्द, ये कौन से जानवर की गर्दन है, अरे हम इतना बड़ा घर है, हम पूरे घर में स्केट चला सकते हैं, अभी हिरण बोलते शायद इसे, देखो हमने हिरण की गर्दन काट के लगवा रखी है, और 2 बंदूकें भी हैं, लेकिन जो किसी काम नहीं आएगी। देखो बहुत बड़ी मछली भी लटका रखी है, कभी भूख लगा तो मिसी खा सकते हैं, सामने वीडियो गेम भी, और अभी हमारी खुद की कोला मशीन है, जाके हमें पैसे देने की ज़रूरत है नहीं, अब हम जितने चाहे उतने नशे करके पड़े रह सकते हैं बिस्तर पे, और ताश की गड्डियाँ भी, दोस्तों को बुला के ताश खेल सकते हैं, लौंडियाँ भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट घर है हमारा, सामने बल्ला भी है, सोफा भी है, और सामने जो तुम पलंग देख रहे हो उसकी कीमत 1500 करोड़ है, जिसे कोई नहीं खरीद सकता क्योंकि ये बहुत एंटिक पलंग है। और बस यही कहना था, अब पूरा घर तो तुमने देख ही लिया, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।